हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कि वेटनरी की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, यानी कि VCI काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे और मेरे से पूछ रहे थे कि भैया जो वेटनरी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज आपके क्वेश्चन के सारे आंसर मैं दे दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि वेटनरी की काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। उससे पहले कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको वेटनरी के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि वेटनरी डॉक्टर क्या होता है, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है, इसका कितना ड्यूरेशन होता है, और अगर आपको वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कैसे काउंसलिंग कराना है, 15% ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, 85% स्टेट कोटा क्या होता है, वेटनरी का क्या स्कोप है। तो ये सारे टॉपिक्स भी आज के वीडियो में आपको कवर करूंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है, उससे पहले आपको बताऊं तो वेटनरी डॉक्टर क्या होता है। तो वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं वो किन के डॉक्टर होते हैं? एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं? एनिमल्स का इलाज करते हैं। ठीक, अगर हम वेटनरी डॉक्टर की बात करें तो इसके लिए आपको जो कोर्स करना होता है वो है BBSC एंड एज, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो ठीक MBBS की तरह इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 5.5 ईयर्स का होता है, जिसमें 4.5 ईयर्स की तो क्या होती है? पढ़ाई होती है, प्लस 1 ईयर की यहाँ पर क्या होती है? इंटर्नशिप होती है। तो इस तरह से आप 5.5 साल का ये जो कोर्स करने के बाद आप क्या बनते हैं? एक वेटनरी डॉक्टर बनते हैं। अगर हम वेटनरी की काउंसलिंग की बात करें तो वेटनरी की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर दो कोटा होता है। एक तो होता है 15% ऑल इंडिया कोटा, जिसकी जो काउंसलिंग होती है वो कौन कराता है? VCI कराती है, जिसका मतलब होता है वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। ठीक, और अगर हम बात करें कि इसकी अनादर कोटा जो कि होता है 85% स्टेट कोटा, और इसकी जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग स्टेट की क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती है। जैसे कि बात करें, अगर हम MP की बात करें तो MP में क्या होता है? MPPVT, एक अलग से यहाँ पर एग्ज़ाम होती है। ठीक, और यही क्या कराती है? इसकी काउंसलिंग भी कराती है। वैसे अगर हम बात करें किसकी, राजस्थान की, तो यहाँ पर क्या होता है? RJPPT होता है ना। और अगर हम बात करें किसकी, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है? CET, मतलब क्या होता है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ऐसे करके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो होती है वो क्या करती है? अपने खुद का एग्जाम कराती है और खुद क्या कराती है? वो काउंसलिंग भी कराती है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नीट के स्कोर के बेसिस पर ही अपनी नीट के स्कोर के बेसिस पर ही क्या कर लेते हैं, इस वेटनरी कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के क्या होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो आप आपके स्टेट में चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इसकी 15% ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो इसकी जो काउंसलिंग होती है वो कौन कराती है? VCI कराती है, जिसका मतलब होता है वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। और इसमें क्या होता है 15% ऑल इंडिया कोटा में, कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वेटनरी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीट को फिलअप करने के लिए VCI काउंसलिंग कराई जाती है। तो अगर आपको मान लो आप कहाँ के हो, MP से हो, है ना, और अगर आपको क्या करना है, UP के वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा, 15% ऑल इंडिया कोटा यानी कि VCI काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो वेटनरी होती है इसमें आपको दो तरह का कोटा देखने को मिलता है। अगर हम टोटल वेटनरी कॉलेजेस की बात करें तो जो टोटल वेटनरी के कॉलेजेस होते हैं वो कितने हैं? 54 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 49 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 5 यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो दो तो आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, एक तो जयपुर में मिल जाएगा, एक सीकर में मिल जाएगा, एक आपको अमृतसर में मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल जो वेटनरी के कॉलेजेस हैं वो कितने हैं? 5 कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस की फ़ीस की अगर हम बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस होते हैं उनकी जो फ़ीस होती है वो कितनी होती है? लगभग 10,000 से लेकर यहाँ पर 90,000 तक वेरी करती है। तो अगर हम गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस की बात करें तो इनकी जो फ़ीस होती है वो लगभग 10,000 से लेकर 90,000 तक हो सकती है। ठीक, इसके बीच में होती है। और अगर हम बात करें इसके प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है, ट्यूशन फी होती है, वो लगभग कितनी होती है? 5 से 6 लाख पर एनम होती है। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिनकी आपको काफ़ी ज़्यादा फीस देखने को मिलती है। तो अगर आपको कॉलेज वाइज जानना है कि किस कॉलेज की क्या फ़ी है, तो आप हमारे आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और बींग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे बींग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। आप जैसे इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप वहाँ पर प्रेशर का कट ऑफ देख सकते हैं,
टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आपको वहाँ पर मिलेगी। आपको फुल काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाएगा पीडीएफ और वीडियोस के थ्रू। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। इसके अलावा आपके हर राउंड की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। तो इस तरह से आपको हम पर्सनली गाइड करेंगे और आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे। ये जो कोर्स होता है हमने BAMS, PHMS, BAMS, PSMS और BBSA जैसे कोर्स में गाइड करने के लिए हमने ये कोर्स को लॉन्च कर रखा है। तो अगर आप पर्सनली हेल्प चाहते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हैं, आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही में गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNate ज्वाइन नहीं किया तो उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आप काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया चल रही है वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो आपकी जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिस नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी क्या कि क्या फ़ी होती है वेटनरी के कॉलेजेस की। उसके बाद अगर हम बात करें कि वेटनरी में क्या स्कोप होता है, तो अगर हम वेटनरी के स्कोप्स की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी गांव होते हैं वहां पर आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, और ये बीमार तो पड़ते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बीमारी तो उनको भी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, गांव में अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं वेटनरी का, ठीक है। और इसका आपको सबसे ज़्यादा क्रेज आपको सिटी में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबको क्या होता है, पेट पालने की काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक होते हैं। अगर सिटी में आपको इस चीज़ का ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, जिसके आपने देखा होगा कि सिटी में सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं वो डॉग को पालते हैं, है ना, और बहुत सारे जानवर उसको भी पालने लगे आजकल। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है सिटी में ये जो वेटनरी डॉक्टर की जॉब जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिटी में भी अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट भी कई वैकेंसीज निकालती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौशाला में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपकी खुद की डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो जिनकी क्या होती है डेयरी फार्म होती है ना, डेयरी फार्म होते हैं जिनके पास जो क्या होते हैं बहुत सारे पेट्स को पालते हैं, जैसे कि बात करते हैं मुर्गे हो गए, भैंस हो गई, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप जानवरों को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि वेटनरी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप देखने को मिल जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी जैसे कि बात करते हैं वाइल्ड लाइफ हो गया, तो वहाँ पर भी क्या होती है गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है, तो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है काफ़ी आपके पास क्या होता है यहाँ पर भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और आप आपकी खुद की गौशाला भी खोल सकते हैं, है ना, आप खुद का डेयरी प्रोडक्ट फार्म भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है वेटनरी में आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप देखने को मिल जाता है। अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो अगर आप दूसरा कोर्स चुने तो उनमें से वेटनरी जो है एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एक तो क्या होता है BAMS होता है, देखो अगर मान लो किसी को MBBS नहीं मिलता है तो जिसको अगर मान लो गवर्नमेंट BDS मिल रहा है तो उधर मूव कर जाता है। लेकिन अगर मान लो लेकिन अगर हम अभी का क्रेज देखें तो अभी लोग किधर मूव कर रहे हैं, ज़्यादा BAMS की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर जिनको BAMS नहीं मिलता तो वेटनरी की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हम BAMS और वेटनरी की बात करें तो दोनों जो होते लगभग सेम मतलब यहाँ पर लोगों के मन में बैठा हुआ है कि या तो BAMS कर ले या तो फिर वेटनरी कर ले। तो यहाँ पर दोनों में BAMS में भी और वेटनरी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप देखने को मिल जाता है। वेटनरी में भी बहुत ज़्यादा स्कोप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अगर आप एनिमल लवर हैं तो वेटनरी डॉक्टर बनना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि वेटनरी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें हमारे मेन क्वेश्चन की कि जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो अगर हम बात करें EEEC काउंसलिंग की, EEEC काउंसलिंग का शेड्यूल अगर मान लो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है तो आपकी जो VCI की काउंसलिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को इसका शेड्यूल आ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो EEEC की और VCI काउंसलिंग जो होती है वो लगभग पैरेलल चलती है, मतलब इनके बीच का जो फर्स्ट राउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो लगभग कितने दिन का होता है, 8 से 10 दिन का होता है, या ज़्यादा ज़्यादा कर देखें तो 15 दिन का गैप होता है यहाँ पर। तो EEEC की काउंसलिंग और VCI काउंसलिंग के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग यहाँ पर 10 से 15 दिन का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इनकी जो काउंसलिंग होती है लगभग क्या होती है पैरेलल चलती है। तो अगर मान लो लास्ट वीक ऑफ जुलाई को EEEC काउंसलिंग का शेड्यूल आता है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका जो VCI काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है। वही अगर हम बात करें
कि अगर मान लो डबल ए ट्रिपल सी का शेड्यूल कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आता है, तो आपकी जो वीसीआई काउंसलिंग है वो मिड ऑफ अगस्त को स्टार्ट हो सकती है। तो इसके अराउंड ही आपकी जो काउंसलिंग क्या है वो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, करीबन यहाँ पर 15-20 दिन का समय हो रहा है, तो इतने दिन में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको रेडी कर लीजिए, है ना। इसकी भी वीडियो हम जस्ट थोड़े दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको आप बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस समय डॉक्यूमेंट बनाने में काफ़ी मतलब समय लगता है, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं इतनी जल्दी बनते भी नहीं है। तो जल्दी हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वाली जो वीडियो है कि विषय काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसे आप रेडी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।